मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की बधाई देते हुए कहा कि 15 नवंबर को उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में धार और शहडोल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी अंचल से अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष कर आदिवासी समाज को नई ताकत दी। उनके संघर्ष ने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हम उनके अद्वितीय योगदान को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता महोत्सव के अंतर्गत इस्कॉन संस्थान और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों को श्री कृष्ण के जीवन और गीता की शिक्षाओं से जोड़ने का आह्वान किया। इस महोत्सव का उद्देश्य बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा, साहस और वीरता का निर्माण करना है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने ऊर्जा संरक्षण पर आधारित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों को ऊर्जा बचत की सीख और संस्कार बचपन से ही दिया जाए, उन्हें ऊर्जा की भावी जरूरतों और महत्व के प्रति जागरूक बनाए। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति है, जो गरीबों और वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रही है। इस योजना से आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है, साथ ही राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में भी योजना सहायक सिद्ध हो रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके मंडला में गौरव दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि गौरव दिवस ने न केवल हमारी संस्कृति एकता को बल दिया बल्कि समाज में समर्पण और सहयोग की भावना को भी प्रकट किया है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी गुरुवार को सतना स्थित विट्स कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया।